TRS वाले, बाद यहाँ के लोग, बाद हैदराबाद के लोग कह रहे हैं मजलिस पुराने शहर की जमात है, वहीं तक है, उनका असर नहीं है। अरे अहमको, गाड़ी वाले दीवानो, मजलिस वहां की है, सिर्फ पुराने शहर की है। क्या मजलिस का एमएलए महाराष्ट्र में नहीं? क्या मजलिस का एमएलए बिहार में नहीं? क्या मजलिस का एमपी महाराष्ट्र में नहीं? अरे टीआरएस वालों, तुम्हारा कोई एमपी तेलंगाना से बाहर है? तुम्हारा कोई एमएलए तेलंगाना से बाहर है? अरे छोड़ दो बाबा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलते हैं ना, वहां से जाके लड़के जीत के आ जाओ। अरे हमसे बातें दुनिया जानती है, अकबरुद्दीन ओवैसी बोलने लगा ना तो फट जाएंगे कपड़े, इस दिन आपको आ जाएगा, तैरा परट जाएगा, ढकलने की भी सकत नहीं रहेगी। छेड़ो मत, छेड़ो मत, हिंदुस्तान के चार वाले को नहीं छोड़ रहे तो ये गाड़ी वाले को छोड़ो। वक्त में है डीली ढीली डोरी, ढीली डोरी छोड़ रहे हैं, जब खींचेंगे ना तो पता चलेगा। अभी हम बोल रहे पतंग है, चलो भाई चलो, जरा ढील देंगे ढील की पेंटा है। असद साहब की जिम्मेदारी है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, असद भाई का हिसाब मालूम आपको। असद भाई पतंग दिलाते, उसके बाद में ढील देते, ढील ढील ढील। अवैसी का आनंद क्या है, पतंग खिलाता है, माजरा सूखता है। अरे बाबा मजलिस को छोड़, तो हमसे बड़ा है तो अपने बेटे को सिकंदराबाद जिता लेना था ना, सिकंदराबाद नहीं जीत सका, बड़ी बातें कर रहा है। अरे असद साहब बोले आ गया, असद साहब अगर 8 दिन पहले बोलते तो 8 दिन पहले भी आ जाते। अब असद साहब बोल रहे नहीं मियां, जरा एहतियात से, ठीक है अमीर का हुक्म, अमीर का हुक्म, कहीं नहीं गया, यहां आया हूं कानून वालों, तुम मुझे नहीं करना, तुम्हारा एक एक वोट मेरा हक है, मेरा एक एक पसीना, मेरी एक एक आवाज पर तुम्हारा हक है। अपना हक अपना संभालने आया हूं और अपनों को अपना हक देने आया हूं। आप मजलिस को जिताना है और ये जीते गाड़ी फाड़ी फूल फूल साइकिल हाथ सबको फेंकना है, बोलना है भाई ये इलेक्शन हमारा है, इसमें हमारी जमात को देंगे, हमको बस पसंद है।